मैं एक बार फिर आप सबका खुशामदीद। तो आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। आज जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है चटपटा फ्रूट चाट, जो कि आप इजीली घर पे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको घर पे इजीली अवेलेबल होंगी। तो जो मैंने चीज़ें ली हैं, मैंने जो फ्रूट्स लिए हैं वो जो अवेलेबल थे, मैंने वो वाले फ्रूट्स लिए हैं। आपके पास जो जो फ्रूट्स हो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें लिए हैं एक बड़े साइज़ में आम, दो आड़ू दरमियाने साइज़ के, दो सेब, 4 से 5 खुबानियाँ और 3 केले। साथ में मैंने लिए एक 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ली है इमली की चटनी की, 1/2 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने चीनी का लिया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम सेब ले लेंगे, तो हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। ये मैंने कट कर ली है, अब हम इनको बाउल में डाल लेंगे। हम बाकी सारे फ्रूट्स को भी कट कर लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पे आराम से 10 से 15 मिनट में ये बना सकते हैं। ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम खुबानी कट कर लेंगे। खुबानियाँ मैंने छील ली हैं, अब हम इनको कट कर लेते हैं। आप फ्रूट की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक। और आप लोगों को जो भी रेसिपी बनवानी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने खुबानी भी कट कर ली, हम इनको भी ऐड कर लेंगे इसमें। अब हम मैंगो की कटिंग कर लेंगे, पहले इसको छील लेंगे। हम आम की कटिंग कर लेंगे।
उनको भी क्यों उसमें कट कर लेंगे। अब ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने मैंगो कट किए थे। अब हम केले डालेंगे। केले हम इसलिए आखिर में डाल रहे हैं क्योंकि केले जो हैं वो काले हो जाते हैं। तो आप लोग भी जब भी फ्रूट चाट बनाएं, एक तो उसमें चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करें और केले को हमेशा आखिर में डालें। केलों की कटिंग करनी है। अब हम ये भी ऐड कर लेंगे इसमें। कटिंग हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। चीनी से ये होगा कि अगर आप फ्रूट चाट को देर तक भी रखते हैं तो इसमें जो सेब और केले हैं वो काले नहीं होंगे। चाट मसाला, थोड़ा सा हम बचा लेंगे डेकोरेट के लिए, और इमली की चटनी। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। कितना कलरफुल सा हमारा फ्रूट चाट देखें रेडी हो गया है। अब मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी। चलिए बाउल में मैंने इसको डाल लिया है। अब जो मैंने बाकी चाट मसाला बचा के रखा था वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। और जो थोड़ी सी इमली की चटनी थी जबरदस्त सा हमारा चटपटा फ्रूट चाट रेडी हो चुका है। तो आप लोग अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। ट्राई करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।